बी बस परफेक्ट सर, हाउ आर यू? अच्छा ओके, हाँ राइट राइट राइट, अर्लियर ही वॉज इन बॉम्बे। हाँ तो एक बार आपका, हाँ जी, इसका ट्यूशन सेंटर कहाँ पे है, बॉम्बे में या बाहर है? नहीं नहीं, ही शिफ्टेड देन एंड टू इंदौर, एक स्कूल ही पूरा का पूरा उसने ले लिया है, रेजिडेंशियल स्कूल, सो ही हैज टेकन ओवर दैट कंप्लीटली। पहले ये यहाँ पे बॉम्बे में ही थे, सो दैट इज व्हाई आई नो दिस पर्सन, यही पे अपने रेजिडेंस में पढ़ाते थे। हाँ सृष्टि, तो अभी पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 41 तक कोई डाउट? क्वेश्चन 33 पे आते हैं। क्वेश्चन 33, द कोवेलेंट रेडियस ऑफ जर्मेनियम इज सो एंड सो, सॉल्व तो किया था ये, अच्छा वो आयनाइजेशन एनर्जी सॉल्व किया था, सॉरी ओके। इज द कोवेलेंट रेडियस ऑफ जर्मेनियम एंड आयनाइजेशन एनर्जी इज दिस वन, तो ठीक है बना लेते हैं, मतलब जर्मेनियम इज हियर, दिस इज जर्मेनियम और एल्यूमिनियम जो ये बोरोन एल्यूमिनियम राइट, ये रहा एल्यूमिनियम एंड गैलियम इंडियम, इंडियम भी चाहिए ना उसको, तो यहीं पे बना लेते हैं, दिस इज इंडियम राइट एंड सेलेनियम, सो बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड देन सल्फर एंड देन सेलेनियम राइट, दिस इज व्हाट इट इज asking. So yeah, exactly ये पूछ रहा है, एक मिनट रुको, मैं जरा एक्सेलेंट मूवी ओपन कर लेता हूँ, आई सॉ कि इट्स नॉट फास्ट हो जाता है, जस्ट अ मोमेंट। हाँ सो नाउ मेरे पास जो एलिमेंट्स हैं जिनसे मुझे कंपेयर करना है, दैट इंक्लूड्स एल्यूमिनियम इंडियम सेलेनियम, सो दिस एल्यूमिनियम इंडियम एंड दिस सेलेनियम राइट, और कंपैरिजन करना था जर्मेनियम से, सो जर्मेनियम जर्मेनियम दिस इज जर्मेनियम। अच्छा क्या कंपेयर करना है, रेडियस या आयनाइजेशन एनर्जी, पहले कौन सा सॉल्व करूं? आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, तो अब आयनाइजेशन एनर्जी जर्मेनियम की गिवन है हमें राइट, सो पहला कंपैरिजन एल्यूमिनियम के साथ करते हैं, तो व्हेन वी स्टार्ट डूइंग द कंपैरिजन विद एल्यूमिनियम, देन एल्यूमिनियम वर्सेस गैलियम में आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ गैलियम इज ग्रेटर, इरेगुलरिटी है, और गैलियम वर्सेस जर्मेनियम में जर्मेनियम की आयनाइजेशन एनर्जी गैलियम से ग्रेटर है, ये रेगुलर ऑर्डर है लेफ्ट टू राइट, तो इन दोनों को कंबाइन कर दो, ये वाला हो गया सॉल्व, एल्यूमिनियम इज लेसर देन जर्मेनियम, ठीक है, ये फर्स्ट वाला हुआ आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूं, देन सेकेंड वन, सेकेंड वन इज जर्मेनियम वर्सेज इंडियम, तो गैलियम इंडियम को कंपेयर करते हैं, सो गैलियम एंड इंडियम में रेगुलर ऑर्डर है, इंडियम इज लेसर देन गैलियम, सही है ना, इट्स अ रेगुलर ऑर्डर, एंड देन इसको अब लेना है मुझे, अच्छा गैलियम इज एनीवेज ग्रेटर देन जर्मेनियम, ये तो ऊपर ही दिखाई दे रहा है, इसको तो सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है,
तो अब इन दोनों को कंबाइंड कर लेते हैं, इन दोनों को अगर कंबाइंड करेंगे देन व्हाट डू वी हैव, जर्मेनियम ग्रेटर देन गैलियम, और हाँ तो इंडियम भी पीछे आ गया, इंडियम इज ऑल्सो लेसर देन जर्मेनियम, ये हो गया। अभी थर्ड थर्ड वन में सेलेनियम को कंपेयर करना है जर्मेनियम से, तो ये तो लेफ्ट टू राइट रेगुलर ऑर्डर है, इसमें तो कुछ नहीं, सेलेनियम ग्रेटर देन जर्मेनियम रेगुलर ऑर्डर, ठीक है। ये हो गया आयनाइजेशन एनर्जी। अभी रेडियस, रेडियस में सेकंड, हाउ एन वी टॉक अबाउट द रेडियस, तो सबसे पहला फर्स्ट वन हमारा हो जाएगा बोलोना एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थेलियम, ये हो गया, देन दिस वन इज फाइन। अभी इसमें रेडियस में एल्यूमिनियम गैलियम की तो रेडियस बराबर ही होगी, हाँ एल्यूमिनियम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू गैलियम, और जर्मेनियम की गैलियम से कम होगी, तो ये आ गया ऑर्डर, एल्यूमिनियम से भी कम होगी, ये ठीक है। ठीक इसके बाद हमें देखना है इंडियम, सो रेगुलर ऑर्डर गैलियम और इंडियम में इंडियम इज लेसर देन गैलियम, एंड देन जर्मेनियम इज ऑल्सो लेसर देन गैलियम। हाँ तो यहाँ पे बेसिकली कुछ खास प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे इसके अंदर, द बेस्ट पॉसिबल आंसर इज कि इंडियम को यहाँ रख दो और जर्मेनियम को भी यहाँ रख दो, बोथ आर लेसर देन गैलियम, और मोस्ट प्रोबेबल आंसर अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलता है तो फिर इंडियम पीछे जाएगा, अच्छा फिर ये आएगा, क्योंकि वो जो ग्रुप का एक पीरियड में जो एनालिसिस है मतलब उसके बाद मैंने एन की वैल्यू से सॉल्व किया एक्चुअली इसको, ये वाला जो, एक मिनट सॉरी, रेडियस की बात कर रहे थे ना, हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तो गड़बड़ हो गया ना, रेडियस इंडियम की गैलियम से कम नहीं होगी ना, ज्यादा होगी, बट टॉप टू बॉटम जा रहे हैं ना, रेगुलर ऑर्डर है, हाँ सॉरी ज्यादा सॉरी सॉरी होगी सॉरी, तो ये गड़बड़ हो गया है, इसको सही करते हैं एक मिनट। इट इज ग्रेटर देन वैल्यू, इंडियम ग्रेटर देन गैलियम, तो द इंडियम इज ग्रेटर देन गैलियम, इसको हटाएं दोबारा से जो होता है और इजी हो जाएगा। हाँ सो द इंडियम इज ग्रेटर देन गैलियम, तो एंड गैलियम जर्मेनियम में, जर्मेनियम गैलियम इज ग्रेटर देन जर्मेनियम, तो फिर तो ऐसे हो जाएगा, हाँ तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके एंड लास्ट वन है एल्यूमिनियम हो गया, इंडियम हो गया, अच्छा सेलिनियम, तो सेलिनियम तो लेफ्ट टू राइट का रेगुलर ऑर्डर है, सेलिनियम लेस देन जर्मेनियम, ठीक ठीक है। ओके और बताओ और कहाँ पे डाउट है? इसमें तो इतना ही था। अच्छा अप टू क्वेश्चन नंबर 41 राइट, ठीक हाँ क्वेश्चन नंबर 41 तक किया है। है। अभी क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। रेडिएशन एनर्जीज ऑफ H2, F2 एंड HF मॉलिक्यूल्स आर रेस्पेक्टिवली गिवन, कहीं निकलता है बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जीज दी हुई है H2 की, F2 की और HF की, और क्या दिया हुआ, कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन
if that of H is to be 2.1 on following scale, it is saying कि आप X F calculate करके दो मुझे अभी यहाँ पे, assuming mm-hmm. that X H is 2.1. तो ये तो direct ही है अपना वो X A difference X B is equal to 0.182 square root of delta, where delta is ये जो bond dissociation energies है इसमें से E A B minus square root of E A 2 multiplied by E B 2. सही है ना? दिया हुआ पूरा डेटा बेसिकली सॉल्व हो जाएगा. क्लियर? हाँ ओके. ये वाला 44th था. हाँ, 44th था. तो 43rd तो असाइनमेंट में कर लेना. अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछता है ग्राउंड स्टेट. हाँ ठीक है. इसके बाद 45th. 45th को सॉल्व करके देखो एक बार. ट्राई डूइंग इट. सेलेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ ईएम डिफरेंसेस व्हिच ऑफ द N3, NCN3, MBR3, NR3, the EM values of N, FCA, VR, and within the subcategory. Imagine following the basic heat of formation Q is K, KCl, 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 Q
Thank you.
काफी सिंपल है ना, आप ये देखो ना, इसमें इसने एक फॉर्मूला दे दिया हमें कि ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है, उसने तो पता ही है नाइट्रोजन का 3.0 होता है और FCl BRI तो 4, 3, 2.8 और 2.5 राइट, ये भी पता है। और नीटा फॉर्मूले के अंदर क्या है, नीटा एन इज द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो वो भी पता है 1 है, सब में एक एक नाइट्रोजन एटम है। इसको अप्लाई करके उसने क्वेश्चन हमसे पूछा, प्रेडिक्ट फ्रॉम द बेसिस ऑफ दिस फार्मूला, एक्चुअली पीएन डिफरेंस इज दिस फार्मूला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड फॉर्म द फ्रॉम द एलिमेंट बाय अ स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बस ये देखो, ये सामने ही है, ये मैंने पूरा कैलकुलेट कर दिया है, इसके अंदर चाहिए तो ये भेज भी दूंगा मैं आपको। इसमें जो क्यू कैलकुलेट होकर के आ रहा है अभी, सी जो क्यू आ रहा है वो यहाँ पे 14 आ रहा है, फिर बेसिकली माइनस जो है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि इसने जो हमें क्यू वाला पार्ट दिया है यूजिंग ऑन द बेस ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो क्यू आपका जैसे यहाँ पे आया 14 राइट, तो मैंने उसे बोला कि भाई जो डेल्टा एच एफ होगा, जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा वो -14 होगा, एनर्जी रिलीज होती है ना, एनर्जी रिलीज इज हीट ऑफ फॉर्मेशन ना, तो इसने जो फॉर्मूला दिया हुआ है कि दिस इज हीट ऑफ फॉर्मेशन, वो एक्चुअली विदाउट साइन दिया हुआ है उसने, वो मुझे इस वजह से भी पता है। आपकी आवाज जा रही है। ओके अभी बेटर है, इट इज फाइन नाउ। हाँ सो ये वाला जो फॉर्मूला उसने दिया हुआ है मुझे, इसने मुझे स्टार्टिंग में बताया ना कि स्ट्रॉन्गली एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एवरीथिंग। अब मेरे पास जो डेटा आए वो आप देखो, जो ओरिजिनली मेरे पास में डेटा आए, मेरे पास +14 आया था, फिर माइनस जो कैलकुलेशन आएगा -55 आया, उसके बाद में -52.4 आया एंड देन -37.75 आया। अब इनमें मुझे ये कैसे पता चला कि भाई जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है वो यहाँ पे -14 होगी, वो ऐसे पता चला एक्चुअली कि आपके पास जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं NH3 है, NCl3 है, NBr3 है और Ni3 है राइट। अब इसके अंदर क्या हो रहा था, इनमें अगर आप देखोगे तो जो NF3 वाला आया वो मेरे पास +14 आया, बाकी के सारे -something आए। तो अगर मैं ये मान लूं कि NF3 की हीट ऑफ फॉर्मेशन +14 है, तो सबकी बाकी की हीट ऑफ फॉर्मेशन -55, -52.24 इस तरह से होगी, बट दैट इज नॉट पॉसिबल। उसका रीजन ये है कि उस केस में तो ये हो जाएगा कि जब NF3 का फॉर्मेशन हो रहा है उस टाइम पे नेट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और बाकी सब में रिलीज, ये नहीं हो सकता। ये इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि ये जब भी इनका फॉर्मेशन होगा, जो भी इनका N2 और F2 से हीट ऑफ फॉर्मेशन की वो बात कर रहा है, तो वो यही वाला होगा कि बेसिकली N2 होगा प्लस F2 होगा एंड देन इससे NF3 बनेगा गैसेस फेज में राइट। रिएक्शन तो बैलेंस हो ही जाएगी, रिएक्शन तो 3/2 दिस और ये हाफ इनटू, जैसे लैटिस एनर्जी वाले में किया था ना। अब लेकिन क्या होगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब दो और इन तीनों में एनर्जी रिलीज दो, रिवर्स इज ट्रू। द रीजन इज आप ये देखो ना कि आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखोगे, आयोडीन का जो साइज है वो तो बहुत बड़ा हो जाता है। आप एक मिनट के लिए इस क्वेश्चन को पूरी तरह से भूल जाओ, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि टॉप टू बॉटम जाओगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो काफी दिखाई दे रही है ना, इसके अंदर आयोडीन वगैरह की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हेलो हेलो सृष्टि, आई कांट हियर यू। हेलो हाँ This is what you are saying, Li greater than Ni greater than K? हाँ, अभी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? अब ये वाला जो स्टेटमेंट है इसको ध्यान से देखो, ये भी पूरी डीपीज होते होते टाइम लगेगा और ये ध्यान रखना, इनको बहुत साइलेंस के साथ आपको करना पड़ेगा, तभी ये सारी चीजें क्लियर होंगी कौन सी वाली प्रॉपर्टी कैसे डिसाइड करता है। अभी कम से कम दो टर्म और लगेंगे इसको करना।
एटलीस्ट मिनिमम दो टन, इसीलिए वो सारे प्रॉब्लम मेरे साथ एक बार सॉल्व करने पड़ेंगे आपको। हाँ, तो अमंग द अल्कली मेटल्स एलआई इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू लार्ज हाइड्रेशन एनर्जी। इसका क्या रीजन क्या है, इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करो, क्या कह रहा है ये एग्जैक्टली? अल्कली मेटल्स में लिथियम बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्यों होता है? हाइड्रेशन एनर्जी इसकी ज्यादा होती है इसके स्मॉल साइज की वजह से, राइट? सही है। तो अगर इसकी हाइड्रेशन एनर्जी इसके स्मॉल साइज की वजह से ज्यादा होती है, भाई लिथियम है, लिथियम से Li से Li प्लस बनेगा, देन इट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये सही है ना, ये रिड्यूसिंग एजेंट तभी बनेगा, एक्ट करेगा जब खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है ना, तो भाई अब अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये कैल्सीफिकेशन हो रहा है, देन व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग ओवर हियर इज, आप अगर ध्यान से देखोगे, वो कह रहा है कि Li इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट्स साइज इट्स वेरी स्मॉल। इस पूरी रिएक्शन के अंदर, मतलब ये तो मैंने एक रिएक्शन लिख दी है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है ना, ये कोई एक रिएक्शन तो है नहीं, इसके ऊपर इसका पूरा प्रोसेस है, रिमेंबर? हाँ। इसका ये वाला पूरा प्रोसेस होता है ना, ये देखो m सॉलिड से m गैसियस, फिर m प्लस, फिर m एक्वस, राइट? हाँ। तो अब ये वाला पूरा का पूरा प्रोसेस है, इट इज टेलिंग Li से Li प्लस बनता है, और ये जो Li है इसका साइज सबसे छोटा होता है। अच्छा, साइज सबसे छोटा होता है तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होती है। Why? क्योंकि बीच में आकर के बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स उसको सराउंड कर देते हैं, एक पूरा का पूरा सर्कल बन जाता है, रिमेम्बर? एक पूरा का पूरा इस तरीके का सर्कल क्रिएट हो जाता है ना यहाँ पे, और बीच में यहाँ पे Li प्लस रहता है, राइट? और आसपास बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स इसको इधर से सराउंड कर चुके होते हैं, सही है? राइट, ऐसे बहुत सारे H2O इसके आसपास हो जाएंगे ना, राइट? जो डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो अब ऐसे, और जितना छोटा इसका साइज होगा उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर पाएंगे, सही है? हाँ। इसी वजह से डेल्टा एच हाइड्रेशन ज्यादा होती है जितना छोटा साइज होता है। हाँ। तो ये पूरा आपको याद है। अब एक चीज है जो इन नोट्स में प्रिंटेड नहीं है, बट मैंने आपको वैसे बताया था लेक्चर में, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि Li एक्वस होल पॉजिटिव ये, या फिर अब अगर मैं आपसे कहता हूँ Li एक्वस होल पॉजिटिव, तो Li एक्वस होल पॉजिटिव एग्जैक्टली क्या रिप्रेजेंट करता है? Li एक्वस होल पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है ये, समझ में आई बात? तो अब Li एक्वस होल पॉजिटिव आपसे जो साइज की बात की जा रही है, दैट इज इंक्रीजिंग आयनिक रेडियस इन वाटर, इसका मतलब आपसे ये जो यहाँ पे Li प्लस आपने लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये आता है कि ये जो Li प्लस है ये कौन सी स्टेट की आप बात कर रहे हो? आप गैस फेज की बात कर रहे हो या आप एक्वस फेज की बात कर रहे हो? अगर आप गैस फेज की बात करोगे तो एक अलग बात हो जाएगी। इफ यू टेल मी कि भाई Li प्लस गैसियस हाइपोथेटिकली, क्योंकि ये गैस फेज में जाते नहीं है मेटल, इज ग्रेटर देन, एक सेकेंड रुको, Li प्लस Na प्लस के, अच्छा हाँ एक मिनट, सॉरी, ये तो फिर आपने करेक्ट बताया था हाइड्रेशन के हिसाब से, यहाँ पे भी एक और चीज ऐड कर देते हैं, दिस इज राइट देन। हाँ ये ठीक है, ये बेसिकली आपने एक्वस के हिसाब से सॉल्व किया है ना? हाँ, तो एक्वस के हिसाब से सॉल्व किया है तो ठीक है, बट अगर एक मिनट फिर इसको मैं इसके बाद में लेता हूँ, नहीं तो सब इंटरमिक्स हो जाएगा, ये परफेक्ट है एक्वस के हिसाब से। सो व्हाट यू आर सेइंग Li प्लस एक्वस इज ग्रेटर देन, व्हेन यू से Li प्लस एक्वस इज ग्रेटर देन Na प्लस एक्वस, इसके अंदर इफेक्टिवली, बस एक बार वापस से लिख देता हूँ सो दैट क्रॉस कंफर्मेशन हो जाएगा। सो व्हाट यू आर टेक्निकली सेइंग इज कि Li प्लस डॉट XH2O इज ग्रेटर देन Na प्लस डॉट YH2O वेयर X इज क्वाइट ग्रेटर देन Y, यही कह रहा हूँ?
ठीक है ओके फाइन, ये एकदम परफेक्ट है। अभी एक और चीज बेसिकली यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ क्योंकि इसमें तो नहीं पूछा हुआ है, बट ये चीज लोग पूछ सकते हैं इसी के अंदर। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इन्हीं का कैटायंस का गैस फेज में साइज क्या होगा, तो गैस फेज में साइज ये वाला होगा Li plus gaseous, Na plus gaseous। ये समझ में आया? हाँ ठीक है। ये कैसे हुआ, लॉजिक बताओ। ये वाला तो बेसिकली समझ में आ गया। वाटर ऐड, मतलब जैसे ऐड सब कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं हो रहा है ना। हाँ एग्जैक्टली, गैस फेज में है तो ये रेगुलर ऑर्डर हो गया इसका। हाँ बिल्कुल, दोनों पूछ सकता है वो, परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोवेलेंट कैरेक्टर केमिकल बॉन्डिंग में करेंगे, आयनिक कैरेक्टर ठीक है अभी भी कर सकते हैं वैसे। आयनिक कैरेक्टर का उल्टा हो जाएगा, तो पहले सी पार्ट कर लेते हैं फिर बी कर लेंगे। आयनिक कैरेक्टर कैसे होगा बताओ आंसर। आयनिक कैरेक्टर अरे मैडम पीरियड कहाँ से आ गया, वर्टिकल की बात कर रहे हैं। अरे हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है, देखो हाँ ये वर्टिकल है तो हाँ। मतलब मैं सोच रही थी। अच्छा अच्छा हाँ तो अक्रॉस मतलब डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा ठीक है। तो BCl2 का लीस्ट होगा और क्या है SRCl2 का हाईएस्ट होगा, सबसे ज्यादा होगा। अभी पार्ट डी करो इसके ऊपर वाला, इसमें LiCl, LiBr, LiI ठीक है, तो ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा ठीक है, तो सबसे ज्यादा होगा LiCl का और सबसे कम होगा LiI का। वेरी गुड ठीक है, अब ठीक है पार्ट डी थोड़ा सा डिफिकल्ट है देखो। तो वो याद नहीं आया क्या रिलेशन है, तो नोट्स ओपन करके कर लो क्योंकि फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं। तो लैटिस एनर्जी से होता है, लैटिस एनर्जी R1 R2 होती है और सॉल्युबिलिटी से नहीं होगा, सॉल्युबिलिटी थोड़ा ज्यादा डिटेल है। नोट्स ओपन करके देखो, टेक योर ओन टाइम। हां हां कार्बोनेट्स सेकेंड ग्रुप के कार्बोनेट्स की सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछा हुआ है। जिसकी ज्यादा लैटिस एनर्जी है उसकी ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी है। हाँ ठीक है पार्ट एफ करो, फिर उसके बाद मैं फिर डिग्री लगाऊंगा। मुझे याद रखने के लिए आपने कुछ कहा था पर मैं भूल गई। वही एच प्लस देना मतलब प्रोटॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एक ही बात है, रिवर्स ऑफ प्रोटॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। हां अब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ लुईस एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ लुईस एसिड एक मिनट एक मिनट एक मिनट वेट वेट
वेट इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ लुइस एसिड की बात कर रहा है, ठीक है ये भी अभी रहने दो, ये सब नेक्स्ट टर्न पे करेंगे क्योंकि ये फिर से बॉन्डिंग से थोड़ा सा रिलेटेड हो गया है, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, देख लीजिए इसी का नहीं करेंगे, नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, नेक्स्ट टर्न पे वो मिसिंग क्वेश्चन वाला पूरा वापस से लेंगे। नेक्स्ट वाला करो, इंक्रीजिंग बेसिक कैरेक्टर, इंक्रीजिंग बेसिक कैरेक्टर, हां बेसिक कैरेक्टर आपके आसपास फिर से थोड़ी नॉइस आ रही है, थोड़ी नॉइस आ रही है आपके आसपास, सर दिखाइए ना क्वेश्चन, दिखाइए। अरे क्वेश्चन तुम ओपन कर लिया करो ना, क्वेश्चन अपना आईपैड में सेपरेटली भी ओपन कर लो, आपके पास पीडीएफ है इसका, पीडीएफ होगा ना इसका, इस फाइल का आपके पास जीआईसी का, हाँ, मेरे पास है, ओपन कर लो उसको पहले क्योंकि कंटिन्यूअस चलेगा ना, क्योंकि मैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी निकालता रहता हूँ ना, तो आपको हेल्प करेगा सॉल्व करने। बेसिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है कैसे, नहीं एक बार दोबारा बताओ, बेसिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप कैसे इंक्रीज होगा, मेटालिक कैरेक्टर, हां मेटालिक कैरेक्टर, इसमें मेटालिक कैरेक्टर कहां से आ गया, एक भी मेटल नहीं है, हां नहीं, ये सारे के सारे हाइड्राइड्स हैं, हां हाइड्राइड्स एंड हाइड्रा एसिड्स, तो हाइड्राइड्स एंड हाइड्रा एसिड्स में जाकर के देखो कैसे डिसाइड करते हैं एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर, नोट्स ओपन करो, ये रहे नेचर ऑफ हाइड्राइड्स ऑक्सी एसिड्स के जस्ट नीचे, ऑक्सी एसिड थे उसके बाद हाइड्राइड्स एंड हाइड्रा एसिड्स थे, देखो स्क्रीन पे, अब ढूंढो इसमें, हां आयनिक हाइड्राइड्स सब हाइड्राइड्स थे तो कौन से वाले हाइड्राइड्स और क्या क्वेश्चन बेसिक कैरेक्टर कंटेनर्स प्लस टू टू फैक्टर्स इनटू, एक काम करो इसको बेसिक कैरेक्टर बाद में सॉल्व करना, इसी क्वेश्चन में आप सिंपल कर लो इसको, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर बता दो, एसिडिक कैरेक्टर, हां इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर बता दो, तो ईएन पे डिपेंड करेगा, मैंने तो मैंने जीआईसी के, हां बोलो करते जाओ सॉल्व करते जाओ, तो मुझे हां साइज पे डिपेंड करेगा, तो साइज इंक्रीज हुआ तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, तो सबसे ज्यादा SbH3 का होगा, सबसे ज्यादा SbH3 का एसिडिक कैरेक्टर होगा, सबसे ज्यादा बेसिक अमोनिया हो जाएगा ना, हां बेसिक कैरेक्टर एसिडिक कैरेक्टर का रिवर्स ही तो आएगा, हां उसका रिवर्स आएगा, क्लियर, हां आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोलिसिस अभी नहीं करना है, ध्यान रखना हाइड्रोलिसिस और हाइड्रोजन बिल्कुल डिफरेंट टर्म्स होती है, हाइड्रोलिसिस होता है रिएक्शन विद वाटर, हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेशन में कभी भी कंफ्यूज मत होना, ये हाइड्रेशन नहीं है, हाइड्रेशन था वो जो वाटर के का जो पूरा का पूरा क्लस्टर है वो जो आ जाता है, ये जो मैंने सर्कल बनाया है ये हाइड्रेशन है, लेकिन ये हाइड्रोलिसिस नहीं है, हाइड्रोलिसिस अभी पढ़ाया ही नहीं है मैंने, वो रिएक्शन से रिलेटेड है, वो होता है बेसिकली कि अगर कोई रिएक्शन होती है वाटर के साथ में किसी भी चीज की,
तब जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कितना इजीली बनेंगे वो हाइड्रोलिसिस होता है, दैट इज येट टू बी टेकन। हाँ तो पार्ट एच और पार्ट जे अभी नहीं गलते, पार्ट आई ऊपर आया था। थर्मल स्टेबिलिटी है, थर्मल स्टेबिलिटी बताओ मैक्सिमम किसकी होगी इसमें? मैक्सिमम किसकी होगी इसमें थर्मल स्टेबिलिटी में बता दें? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व हो जाएगा इसमें, केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वो भी अभी नहीं लिया है मैंने, बॉन्डिंग में आएंगे। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे है 14 असाइनमेंट में करना, 15th भी असाइनमेंट में करना, क्वेश्चन नंबर 16 अभी फिर से नहीं करना है आपको, ये केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स का पार्ट है बेसिकली ये। इसके बाद 17th है, हाँ तो 17th सॉल्व करो, क्वेश्चन पार्ट ए सॉल्व करो 17th का। आज मैं व्हाट्सएप पे एक बार आपको वो भी टाइप करके भेज दूंगा कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन थे जो केमिकल बॉन्डिंग के साथ करना है, क्योंकि वापस अभी असाइनमेंट आप करोगे तो वो कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ, जहाँ तक हम करते जा रहे हैं ना वो मैं भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। EN increase होगा तो acidic strength increase होती है। EN increase होता है तो acidic strength increase होती है, okay? तो Na2ZnO, Na2O2, Na2NG। electron negativity बढ़ती है। आंसर पे बाद में जाएंगे हम, पहले लॉजिक क्या है वो बताओ मुझे। एसिडिक स्ट्रेंथ ईएन के साथ इंक्रीज होती है, ऐसा कोई रूल नहीं है, कहाँ लिखा हुआ है बताओ मुझे, लिखा हुआ था ना, बताओ कहाँ पे लिखा है बताओ। नेचर ऑफ हाइड्राइड्स में ही लिखा था। तो ये हाइड्राइड्स हैं क्या, ये ऑक्साइड्स हैं? हाँ तो दोनों ऑक्साइड में कैसे करेंगे? तो
सबसे ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी होगा राइट। ये कैसे लॉजिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर राइट ठीक है एसिडिक नेचर। हां ठीक है फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आएगा फिर सेकंड नंबर पे ZN ठीक है थर्ड नंबर पे कौन आएगा तो फिर N2O ठीक है। जिंक ऑक्साइड की एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी क्या होती है ये तो रिलेटिव ऑर्डर आपने बताया जिंक ऑक्साइड क्या है एसिडिक बेसिक एम्फोटेरिक ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये पार्ट बी तो पार्ट बी और सी बॉन्ड स्ट्रेंथ के हैं ये बॉन्डिंग के साथ कर लेंगे। इनफैक्ट पार्ट डी भी रिएक्टिविटी विद वाटर हाइड्रोलिसिस है पार्ट ई करो सॉल्व पार्ट ई हां ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हां ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ना सबसे ज्यादा तो इसकी ऑक्सीजन की ही होती है। लॉजिक लॉजिक आंसर इम्पोर्टेंट लॉजिक क्या नहीं तो बोलो ठीक ठीक तो बताना है तो ढूंढो आंसर तो बाय चांस भी आ जाता है लॉजिक ढूंढो इसका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का कहां मिलेगा ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना हां तो कहां पे है ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट अपने नोट्स में भी तो आया था थोड़ी देर पहले हाइड्रेशन में एक सेकंड लार्ज हाइड्रेशन केवल बेटर ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या हाँ लार्ज है राइट पार्ट जी एसिडिक कैरेक्टर ईएल टू थ्री नॉन मेटालिक कैरेक्टर टू होता है
मोर मेटालिक एयर टू एम जी एस फाइव टू पी एन एल एल एम जी एस आई और पी फोर. हाँ ठीक है, तो पी का सबसे ज्यादा होगा, पी फोर एन का सबसे ज्यादा, फिर एस आई ठीक है. पार्ट एच और आई असाइनमेंट में, पार्ट जे पोलराइजेबिलिटी है, केमिकल बॉन्डिंग में आएगा, वो सॉल्व करना ही नहीं है. अभी क्वेश्चन नंबर 18 मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कलर्ड. अभी रहने दो, मतलब अभी मैं बता सकता हूँ, कोई इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं सारी चीजें मिक्स नहीं करना चाहता. ये भी केमिकल बॉन्डिंग के स्टार्ट में बताऊंगा मैं, ये सब छोटी छोटी मिसलेनियस चीज है, इसको भी अभी छोड़ दो. Question number 19, bond length of F2 is shorter than Cl2, but FF bond is weaker than Cl. ये तो वही bond strength है, chemical bonding में करेंगे. Question number 20 is reactivity of K2O towards water is more than that of N2O in water. The oxidation oxide part B oxides of alkyl metal are more basic than those and Cl is. हाँ ठीक है. Question number 20 थोड़ा interesting है. A B और C solve करो एक-एक करके. Reactivity of K2O towards water is more than that of N2O in it towards water. हाँ, ये बताओ इसका क्या है? Reactivity. हाँ. ठीक है, ये तुमसे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि किसी नोट्स में नहीं आया है, बट इसको मैं बता देता हूँ क्योंकि धीरे धीरे यहाँ से हाइड्रोलिसिस स्टार्ट हो जाएगा. देखो एक मजेदार चीज है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ, सपोज कि अभी थोड़ी देर पहले इनफैक्ट वो एक क्वेश्चन में आया ही था कि Na प्लस एक्वस और K प्लस एक्वस, इन दोनों में से रेडियस किसकी ज्यादा होगी. अगर मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ तो आप कहोगे ये होगा हाइड्रेशन की वजह से. हाँ. सही बात है ना, बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन. राइट, बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन. अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर देखो, वो कह रहा है कि अगर मैं रिएक्टिविटी वाटर में ही दोनों टुवर्ड्स वाटर बात कर रहा है कि वाटर से K2O और Na2O में से रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, तो वो कह रहा है K2O की ज्यादा होगी. यहीं पे लिख देता हूं मैं, इट इज इसने मेरे को बता दिया है कि रिएक्टिविटी विद H2O, तो वो कह रहा है कि K2O की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी ज्यादा देन Na2O. सही है ना. और हाँ. ये बोल रहा है कि ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स स्टेटमेंट है, ट्रू या फॉल्स बताना है इसमें मुझे. हुँ. क्या कहते हो, क्या लगता है, ट्रू है कि फॉल्स है? रहने दो, अननेसेसरी मेहनत होगी, सॉल्व नहीं हुआ. ट्रू स्टेटमेंट है ये. अब देखो ये ट्रू स्टेटमेंट इसलिए है क्योंकि एक्चुअली यहीं से वो मैं उसको स्टार्ट भी करना चाहता, इसलिए मैंने क्वेश्चन ले लिया. ऊपर वाला ये जो लिखा हुआ है ना, इसको कहते हैं हाइड्रेशन, जो हमने हाँ. अभी तक पढ़ा है. और ये नीचे वाला जो है ना, इसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस. अच्छा. बेसिकली क्या होता है, अगेन हाइड्रोलिसिस इज द रिएक्शन विद वाटर. ये जो रिएक्टिविटी आपने लिखा हुआ है, हाइड्रोलिसिस का मतलब ही होता है रिएक्शन विद H2O. राइट, हाइड्रेशन में तो वो क्लस्टर व्लस्टर बन जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, इसके अंदर वाटर के साथ रिएक्शन होते हैं. अब क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल रख दिया जाए, मान लो एक H2O मॉलिक्यूल, एक ही H2O मॉलिक्यूल है, ठीक है, क्योंकि जब रिएक्शन होगी तब एक मॉलिक्यूल एक से रिएक्ट करेगा. ठीक है, अब आप यहाँ पे रख दो K2O और यहाँ पे रख दो सोडियम ऑक्साइड. ठीक है, अब इसके ऊपर आप जरा चार्जेस की हम बात करना शुरू करते हैं. यहाँ तो ठीक है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे डेल्टा वन पॉजिटिव होगा और यहाँ पे डेल्टा टू पॉजिटिव होगा. ठीक बात है, डेल्टा वन प्लस और डेल्टा टू प्लस में से ज्यादा कौन सा होगा आपके हिसाब से? डेल्टा चार्जेस में सबसे ज्यादा किसका होगा? हाँ
पता। चार्जेस कैसे क्रिएट होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। हाँ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर क्रिएट होते हैं तो पोटेशियम की इलेक्ट्रॉन, सोडियम की तो पता ही है 0.9 होती है, सोडियम की तो पता ही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 होती है ना, लिथियम के जस्ट नीचे है। हाँ। तो इसके यहाँ पे Na2O में जो डेल्टा ईएन होगा दैट विल बी 3.5 माइनस 0.9। हाँ। और K2O में जो होगा वो 3.5 माइनस समथिंग व्हिच इज लेसर देन 0.9 क्योंकि पोटेशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम से तो कमी होगी ना। राइट। तो डेल्टा ईएन K2O के केस में Na2O से ज्यादा होगा। हाँ। राइट, एक बॉन्ड है ना बेसिकली ये, तो K2O के केस में अगर Na2O से ज्यादा होगा तो ऐसे देख लो ईएन से या आयनाइजेशन एनर्जी से देख लो, एक ही बात है, K के ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। बात समझ में आई? बात समझे। राइट, पोटेशियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेगा, ऐसे देख लो, या डेल्टा ईएन से देख लो, डेल्टा ईएन डिफरेंस K2O में Na2O से ज्यादा है तो डेल्टा 1 प्लस विल बी ग्रेटर देन डेल्टा 2 प्लस। हां ओके, ये बात ठीक है, समझे। अभी अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा यहाँ पे K2O H2O मैंने यहाँ रखा, इधर K2O है इधर Na2O है, इसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और इसके बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। होगा, लेट्स से इसको नाम हम यहाँ पे दे देते हैं, लेट्स अज्यूम दिस इज F1 एंड दिस इज F2। आपके हिसाब से F1 और F2 में से कौन सा ज्यादा होगा? इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर होना चाहिए? डेल्टा 1 ज्यादा है तो F1 भी ज्यादा होगा ना। तो F1 अगर ज्यादा होगा तो K2O वाटर से पहले रिएक्ट करना चाहेगा ना। क्लियर? ठीक बात है ना? अच्छा सही है। हाँ, हो गया। ना ना? अब एट द सेम टाइम ये ध्यान रखना, हाइड्रेशन है नथिंग टू डू विद दिस, क्योंकि यहाँ पे ये जो हाइड्रेशन है Na प्लस एक्वस का ग्रेटर देन K प्लस एक्वस, ये किस वजह से है? ये यहाँ पे जो रीजन है वो साइज है और हाइड्रोलिसिस में वो साइज वाला फैक्टर मैं टॉप टू बॉटम भी जा रहा हूँ तो कंसीडर क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक मॉलिक्यूल एक ही मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा। एक K2O एक ही H2O से रिएक्ट करेगा, ऐसा नहीं होगा कि एक K2O के आसपास बहुत सारे H2O उसको सराउंड करेंगे। सराउंड कर रहे होंगे लेकिन रिएक्शन तो एक से रिएक्ट करेंगे, वो होंगे इनफाइनाइट H2O होंगे एज अ सॉल्वेंट बट रिएक्शन तो एक से ही होने वाला है ना। राइट, लेकिन हाइड्रेशन में ऐसा नहीं होता है क्योंकि रिएक्शन होती नहीं है, वो तो आयनाइजेशन है, तो वहां पे इनफाइनाइट वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वहां पे टॉप टू बॉटम में साइज लेता हूँ, यहाँ टॉप टू बॉटम साइज वाइज नहीं लूंगा मैं, ये रिएक्शन की बात हो रही है। इसका क्या रीजन है? तो वो तो मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर है ना। तो एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, एक मिनट, एल्केलाइन अर्थ मेटल होते हैं सेकंड डे के और एल्केली मेटल्स होते हैं फर्स्ट डे ग्रुप के, एक मिनट, तो हाँ तो फॉल्स स्टेटमेंट है ना ये, तो रिवर्स इज ट्रू ना, मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर एल्केली मेटल का ज्यादा होता है, उसके ज्यादा बेसिक होंगे। एक सेकंड, ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स में कैसे डिसाइड करते हैं एसिडिक बेसिक नेचर? ऑक्साइड्स में डिसाइड करते हैं कैरेक्टर मेटालिक ठीक है, तो एल्केली मेटल फर्स्ट डे ग्रुप, एल्केलाइन अर्थ मेटल सेकंड डे ग्रुप, फर्स्ट डे और सेकंड डे में से ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर किसका होगा? एल्केली मेटल्स का, तो वही ज्यादा बेसिक होगा ना।
हाँ वही ज़्यादा बेसिक था। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। हाँ ठीक है। अच्छा अभी Cl is larger than sulfur 2 minus क्या लगता है फॉल्स है कि ट्रू है? सल्फर 2 माइनस False. 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 S2 माइनस की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हाँ हो तो जाएगी फिर साइज की बात कर रहा है वो तो हाँ साइज का क्या लेना देना है कॉन्फ़िगरेशन से मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हाँ पर हम यहाँ पे वैंडरवाल नहीं देंगे हम कोवेलेंट ही देंगे तो पता नहीं क्या है ना थोड़ा मुश्किल है पीरियोडिक टेबल में जमा लो सीधे सीधे यहाँ पे ये सिचुएशन है और हीलियम नियॉन ऑर्गन अभी ये कह रहा है कि सल्फर 2 माइनस यहाँ कहीं होगा सीएल वर्सेस सल्फर 2 माइनस है ना अब तो सीधे सीधे की बात है ये तो काफी ग्रेटर होगा क्योंकि एन की वैल्यू सेम है और ये एक एनायन है एनायन जब भी बनते हैं तो बहुत हाई एक्सपेंशन होते हैं ना हाँ तो एनायन बन गया चार्ज आ गया तो वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिपरेशन की वजह से एक्सपांड हो चुका होगा हाँ राइट एनायन होगा तो सल्फर माइनस टू ज्यादा बड़ा होगा तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है हाँ ठीक है क्लियर हाँ अच्छा तो आई थिंक आज यहाँ तक स्टॉप करें तुम भी थक गई होगी आज काफी सारे क्वेश्चंस करते करते हाँ क्योंकि अभी तो एक दो टर्म्स लगेंगे फिर ये पूरा सारे कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाएंगे अपने आप ही तो अब आज का असाइनमेंट ये रहेगा मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 तक जो भी क्वेश्चन नहीं करने हैं उनको मार्क करके अभी वापस एक पीडीएफ ही भेज दूंगा उसमें वो हाईलाइट कर दूंगा कि ये वाले वर्निंग के साथ करेंगे अब आज का सबसे केयरफुल असाइनमेंट ये है कि जितने अभी अप टू पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 20 ठीक है अब बड़ा थोड़ा सा शायद डिफिकल्ट भी रहे वो असाइनमेंट इसके अंदर आपको काम ये करना है कि पहले तो जो थ्योरी नोट्स थे ना एक बार उनको गो थ्रू कर लेना पूरे ठीक है करीब 15 से 20 मिनट या हाफ एन आवर आधा घंटा करीब लग जाएगा क्योंकि काफी ज्यादा है 9-10 पेजेस के आराम से बैठ के एक बार गो थ्रू कर लेना या तो वो धीरे धीरे क्वेश्चन करते करते होंगे उसके बाद पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 20 तक जितने भी क्वेश्चन है आज जो मैं ये भेजूंगा इसमें तो आंसर वांसर भी मार्क्ड है तो ये वाले मत लेना वो पहले वाला जो मैंने भेजा हुआ है विदाउट आंसर वाला डीपीपी उसी को डाल लेना इसमें से तो केवल वो देख लेना कि कौन से क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करने हैं ठीक है हाँ ठीक है अब ओके उस वापस से नोट्स को एक बार आधा घंटा रिवाइज कर लिया फिर नोट्स को बिना देखे वापस से पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व करना है और उसमें केवल आंसर भी निकालना है उसमें रीजन लिखना है कि क्या रीजन है इसका ठीक है ये काम पूरा कंप्लीट कर लेना है ना तो वो नेक्स्ट टर्म पे केवल 7-8-9 पेजेस रह जाएंगे तो वो कंप्लीट करके फिर मैं केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर दूंगा मतलब पहले ये जो मिसलेनियस कॉन्सेप्ट जो बीच में बचा है वो लूंगा देन आई विल गो अहेड विद द कंटिन्यूएशन बॉन्डिंग का ठीक है ना तो ये कर दोगे मेरे ख्याल में आई थिंक संडे मंडे का दो दिन तो है इजीली हो जाएगा अच्छा सर एक और चीज थी मुझे आ रहा वो जो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन 37 क्वेश्चन 37 कौन से पेज पे है डीपीपी में था एक सेकंड पेज नंबर बताओ हाँ बता रही हाँ क्वेश्चन 37 था सॉरी 31 था 31 पेज नंबर 3 पे 31 बताओ
उसके बाद क्रोमियम 3 प्लस डायमैग्नेटिक K plus diamagnetic, Cr3 minus paramagnetic. हाँ. फिर Zn2 plus paramagnetic. Diamagnetic. हाँ. Diamagnetic है, paramagnetic नहीं है. Zn2 plus diamagnetic है. 3d10 4s2 configuration होती है ना, 4s के दोनों electron चले गए, 3d10 बचा, तो 3d10 तो पूरा paired है ना, unpaired electron कहाँ है? 3d क्या? 3d10 4s2 1 2 3 4 5 6 होते हैं ना. अरे कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जिंक की, जिंक की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d10 4s2. हां 3d10 4s2. जिंक 2 प्लस की क्या होगी, 4s से दो इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 3d10 बचेगा. अच्छा वो मैं वो 3d से ले लिए थे दो इलेक्ट्रॉन. 3d से नहीं लेंगे ना, 4s से रिमूव होता है ना पहले. फिर एक और इलेक्ट्रॉन डी से जाएगा, तो सीआर दो इलेक्ट्रॉन डी से जाएंगे, तो इसकी इलेक्ट्रॉन 3d, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 3d3 बचेगी. कैडमियम जिंक के नीचे आता है, जिंक कैडमियम मरकरी, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन डायमैग्नेटिक है, 4d10 4s2 है, ठीक है. हाँ तो ऐसे तो प्लस CO3 प्लस Sn2 माइनस Sn2 प्लस की Sn2 प्लस का तो डायमैग्नेटिक आया. Sn2 प्लस तो कार्बन वाली फैमिली में है, तो कार्बन NS2 NP2 होता है ना, ये डायमैग्नेटिक है, NP2 निकल जाएगा. हाँ, फिर Br पैरामैग्नेटिक है ही, और कोबाल्ट 3 प्लस का क्या है? कोबाल्ट 3 प्लस का मुझे पैरामैग्नेटिक आया, पर मैंने इसका वो आई थिंक मैंने वो गलत तरीके से सॉल्व किया. वो D से नहीं निकालेंगे ना, कोबाल्ट 3 प्लस भी 3d7 4s2 होता है. 3d7 4s, तो 4s2 से पहले निकलेगा ना. हाँ, तो 3d6 बचेगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी जैसे यहाँ पे 3d6, तो फिर वो डायमैग्नेटिक. हाँ, यहाँ पे तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे Cr3+ में, जिंक 2+ में 0 थे, और 3d6 में कितने होंगे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे. हम्म, राइट. ठीक, ये क्लियर हो गया. अब मैं आपको बस वो डीपीपी में हाईलाइट करके भेज देता हूँ कि कौन से प्रॉब्लम्स अभी बॉन्डिंग के साथ करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में. पेज नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 20 तक एक बार नोट्स रिवाइज करके वापस से सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसमें रीजन लिखना है कि कौन सा किस वजह से, आप बता दो. हाँ, ठीक है, ठीक है, मैं भेज देता हूँ. ओके, राइट, ओके.